हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, यहाँ पर हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया है जिसका रेडियस आर ए है इनर से इसका, एंड आउटर सिलेंडर का रेडियस है आर बी। इसको हमने ग्राउंड किया है तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर नहीं आएंगे। चार्जेस सिर्फ इनसाइड सिलेंडर बी के आएंगे एंड आउटसाइड सिलेंडर ए के आएंगे। ओके, तो ये मेटल के है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव आएगी, इसके बाहर नहीं जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। ओके, नाउ अभी हम चाहते हैं इसका कैपेसिटेंस निकालने का, तो अभी हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। अब बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है कैपेसिटेंस का? सी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी, क्यू डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी। ओके, अब वी ए माइनस वी बी हम कैसे लेते थे हर वक्त? पॉजिटिव टू निगेटिव, अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव हम जाते थे तो हम वी ए माइनस वी बी लिखते थे। तो यहाँ से ए टू बी जा रहे हैं, चार्जेस पॉजिटिव यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही हम इसे लिखते थे। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे? जो भी इंटीग्रेशन डेरिवेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि उसे लगाते कैसे। ओके, अब इसे बेसिक ट्रिक मैं आपको बोल देता हूँ, आपको समझ लेना है इससे कि सपोज़ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए टू बी जा रही है तो हम इसे दो तरह से लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे दो तरह से लिख सकते हैं। ओके, पोटेंशियल के बारे में तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ओके, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, एंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स जो लेना है वो ए टू बी, जो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वहाँ से लिखना है। ये एक तरीका होता है, इससे एक ऐसे भी लिखा जा सकता है या और हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक, अब एक्चुअल में कैसे लिखते हैं? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी जा रही है और हमें पोटेंशियल लेना पड़ता है फाइनल माइनस इनिशियल से, तो हम ऐसे लिखते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर एंड इंटीग्रेशन की लिमिट्स ए टू बी। ओके, तो इन दोनों से हमें आंसर सेम ही आने वाला है, बट हम मोस्टली इसको इस तरीके को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस वगैरह थोड़ा कम आते हैं तो गलती होने के चांसेस थोड़े कम आते हैं। ओके, तो सेम सिचुएशन हम इस यहाँ पर भी लगाएंगे। ओके, और ये सिचुएशन आप इसको यूज़ करके, इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके आप प्रीवियस वाले भी क्वेश्चंस सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक अभी अभी जिस तरह सॉल्व करेंगे हम देखेंगे, एंड नेक्स्ट प्रीवियस में हमने किस तरह फॉर्मूला यूज़ करना है वो दिखाएंगे। ओके, तो ये हमने कैपेसिटर सिलेंडर कंसिडर कर लिया है और हम निकालेंगे पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही जा रहे हैं, ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और हमने भी वी ए माइनस वी बी लिखा है तो उसी के साथ ही जा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर ए टू बी, सॉरी ये ए टू बी। ओके, और यहाँ कभी कभी आर ए आर बी भी लिखा जाता है तो हम आर ए आर बी लिखेंगे, सिंपल जाएगा। सो आर ए टू आर बी। ओके, अब हमें ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे एक्स डिस्टेंस पे। ओके, हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे एक्स डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे, अब आर लिमिट है तो आर डिस्टेंस पे। ओके, एंड आर लिमिट पे दिख रहा है क्या? आर लिमिट पे थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं, ये बीच में मैंने एक आर डिस्टेंस पे क्या किया है, एक पॉइंट कंसिडर किया है एंड वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और इसको इसको हम लाइन चार्ज कंसिडर करेंगे, किस इस इनर जो सिलेंडर है उसको हम लाइन चार्ज कंसिडर करेंगे। तो अगर लाइन चार्ज के कारण एक्स लोकेशन पे या आर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज एट एक्स लोकेशन
वो आएगी के लैम्बडा अपॉन आर। लैम्बडा क्या है? लाइन चार्ज। ओके, तो वो आ जाएगी, सॉरी, 2K लैम्बडा अपॉन आर, वो आ जाएगी इस लोकेशन पे। ये आप लगा तो डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख लो। अब बस इतना ही हमें करना था। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ आर ए आर बी 2K लैम्बडा अपॉन आर इंटू डी आर, एंड अब 2K लैम्बडा कांस्टेंट है, हम उसको बाहर ले लेंगे 2K लैम्बडा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर डी आर लिमिट्स आर आर ए आर बी। तो ये फिर से बन जाएगा यहाँ पर 2K लैम्बडा 1 बाय आर के इंटीग्रेशन लॉन ऑफ आर, एंड इसको लिखेंगे हम आर ए आर बी। अब इसको हम डायरेक्टली प्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 2K लैम्बडा लॉन ऑफ आर बी माइनस लॉन ऑफ आर ए, तो डायरेक्टली लॉन ऑफ आर बी डिवाइडेड बाय आर ए, लॉग ऑफ बी माइनस ए, ये कुछ इस तरह फॉर्मूलेज रहते, जरा आप देख लो इसे। तो फाइनल आंसर आपको ये आ जाएगा। ये किसका आंसर बन गया आपका? वी ए माइनस वी बी, बराबर है क्या? वी ए माइनस वी बी का आपका ये फॉर्मूला आ गया। नाउ अभी हम देखेंगे कैपेसिटेंस। ओके, तो सी इक्वस टू क्यू डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी है, एंड वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हमें आई है 2K लैम्बडा लॉन ऑफ आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। तो ये क्यू यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 2K लैम्बडा लॉन ऑफ आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। लैम्बडा क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी, जो कि लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल रहने वाली है, मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आ रहा है, वो रहता है लैम्बडा। ओके, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है एक्चुअली। तो लैम्बडा को रिप्लेस कर देंगे क्यू डिवाइडेड बाय 2K क्यू डिवाइडेड बाय एल, इस एल को थोड़ा अच्छा लिखते हो, हमें समझ में आ जाएगा, लॉन ऑफ आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। तो क्यू क्यू गेट कैंसल आउट, तो एल एल डिवाइडेड बाय 2K लॉन्ग ऑफ आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। अब के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा लास्ट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय 2K, के तो चला गया, ये के की वैल्यू थी लॉन ऑफ आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। ओके, आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा, इसमें फाइनल आंसर बन जाएगा हमारा, ये 2 चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। ओके, तो ये बन गया हमारा कैपेसिटेंस। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस तरह हम निकाल, ये है हमारी कैपेसिटी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। अब ये जो कैपेसिटी है, ये ओवरऑल कैपेसिटी है। अगर हमें पूछा जाता है कैपेसिटी पर लेंथ बोलो, पर लेंथ कितना है, तो पर लेंथ बोला है तो एल से डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला में से एल चला जाएगा। अगर इसको डिवाइड बाय एल कर देंगे, तो ये इसको डिवाइड बाय एल करेंगे, मतलब यहाँ पर भी डिवाइड बाय एल करेंगे ना पड़ेगा, तो एल एल चला जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी डिवाइड बाय आर ए। यस, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया है जिसको अंदर पॉजिटिव चार्जेस है, बाहर उसके नेगेटिव, बाहर के इनसाइड में नेगेटिव चार्जेस है, इधर ग्राउंड कर दिया है। आर ए रेडियस है उसका, एंड आर बी सेकंड वाले का रेडियस है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा है मैंने, एल इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन आर बी एंड आर ए,
मतलब जो लेंथ है आपकी सिलेंडर की वो बहुत बड़ी है आर बी एंड आर ए से। और ये नेसेसरी है, ये इसलिए है नेसेसरी क्योंकि देखो अगर एल बहुत छोटी होती है या एल और आर ए आर ए बी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एल बहुत छोटी है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो सपोज़ हमने एक लाइन कंसिडर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू द लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगी एंड कॉर्नर पे कर्लिंग। ओके, तो ये इफेक्ट, कर्लिंग का इफेक्ट हमें नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने बोला कि ये लाइन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो, क्या चाहते हैं हम, ये बहुत बड़ी हो एज़ कम्पेयर टू इट्स रेडियस दोनों के। ओके, तो ये कर्लिंग इफेक्ट कंसिडर नहीं, अगर बहुत छोटा है तो कर्लिंग इफेक्ट हमें कंसिडर करना पड़ेगा, अगर बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी, तो कैपेसिटेंस में इतना कुछ इफेक्ट्स नहीं आने वाला। ओके, तो ये चीज़ आपको, ये एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह आप लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट आप पीछे वाले इसमें भी लगाएंगे, वहाँ पर ई की वैल्यू आपको मिलेगी, ई की वैल्यू कौन से स्पेरिकल कैपेसिटर में आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, लाइक के क्यू अपॉन एक्स, आपको गॉस लॉ लगा के उसे निकालना है। ओके, के क्यू अपॉन ए, के क्यू अपॉन बी, वहाँ पर ले निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर का जो पॉइंट था तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमने कौन से कैपेसिटर देखे वो एक बार हम रिवाइज करेंगे। हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने ये प्लेट्स देखे थे, इस तरह थे, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, और इसका कैपेसिटर कितना आता था, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी इसका कैपेसिटर, ए क्या था एरिया, डी क्या था डिस्टेंस, एरिया जो है वो यहाँ का है। ओके, इसमें एक पॉइंट आपको समझ लेना है, देखो यहाँ पे अगर कोई कैपेसिटर इस तरह है, बताओ ये अगर इस तरह प्लेट्स मैंने रखे तो एरिया कैसा कंसिडर होगा। ओके, तो एरिया देखो सिर्फ इन दोनों के बीच का एरिया कंसिडर करना है, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। तो यहाँ पर एरिया जो कंसिडर हुआ है वो ओवरलैपिंग एरिया है। ओके, ओवरलैपिंग एरिया है, तो ओवरलैपिंग एरिया है, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव जा रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव जा रहे, तो इतना ही एरिया, ये इतना ही एरिया हमारा कंसिडर होगा, ऐसा नहीं कि ये भी हो रहा है, ये इधर वाला भी हो रहा है, नहीं। ओके, ये एक चीज़ याद याद रखना है। तो फर्स्ट हमने देखा था पैरेलल कैपेसिटर, देन हमने देखा था सिंगल स्पेरिकल कैपेसिटर जिसका डिस्टेंस आर था, तो उसका फॉर्मूला क्या आता था, स्पेरिकल का, स्पेरिकल का देखा था हमने, उसका फॉर्मूला आता था फोर कैपेसिटर की वैल्यू सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसमें हमने और एक पॉइंट देखा था, अगर ए है एंड यहाँ पर बी है दो रिंग से, तो फॉर्मूला क्या बनता था, सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ओके, अर्थिंग यहाँ पर इधर दी थी, अगर अर्थिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो, अगर अर्थिंग हमारी अंदर में है तो ए, ये रिजल्ट्स अपने बाय हार्ट होने चाहिए। ओके, अंदर अगर अर्थिंग है तो सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वेयर डिवाइड बाय बी माइनस ए। ओके, एंड लास्ट में सिलेंडर का, अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो सिलेंड्रिकल है तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंपली सी इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल लॉन ऑफ आर बी डिवाइड बाय आर ए। ओके सॉरी, तो ये आपका रिजल्ट, सारे आपके ज्योमेट्री के रिजल्ट्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। डेरिवेशन आपको नहीं भी याद रहा तो भी चलता है, डेरिवेशन को इतना मतलब कॉम्पिटेटिव पर्पस डेरिवेशन नहीं, आपको फॉर्मूलाज जल्दी जल्दी याद आने चाहिए। आई होप सो आपको ये पूरा ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर समझ में आ गया होगा।
इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। थैंक यू।